हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होती है और आर की वैल्यू, आर जो है कॉमन रेशो, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन देखे जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक कोई सिक्वेंस दे रखा है वो जी पी में है, 8x और 32, ठीक है ना। ये दे देगा इन जीपी, ये कोई सीक्वेंस है, ये जीपी में है, फाइंड एक्स। आपको किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 16, 4, 64 और √16, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, एक सीक्वेंस है मान लीजिए 2, 4, 8, ठीक है दोस्तों। ये जीपी में है, ये जीपी में क्यों है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ऐसा क्यों है। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ठीक है दोस्तों। ये GP में इसलिए है क्योंकि इसकी कॉमन रेशो क्या बराबर है, और कॉमन रेशो R वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है दोस्तों, या R थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरफ बराबर है R, तो ये वाली साइड ही बराबर होगी, यानी कि A3 बाय A2 के बराबर होगा, A2 बाय A1 इजिकल टू A3 बाय A2, ये चीज़ बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। तभी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, 4/2 इजिकल टू 8/4 बराबर ही होंगे, A2 बाय A1 और A3 बाय A2, ये भी दो है और ये भी दो है, 2 इजिकल टू 2, ठीक है। यानी कि अगर कोई तीन नंबर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो ये कंडीशन क्या होती है, सेट्स। तो अभी क्वेश्चन में उसने ये दे रखे अभी थे, तीन नंबर क्या जी पी में है, अगर ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो A1, A2, ये A3 है, ठीक है दोस्तों। तो अप्लाई करते हैं, A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्स के क्या आ गया, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 1 = 25, तो एक्स के, और 256 को मैं 16 का स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। स्केयर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16, और 16 क्या है, A, तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, 1/2, 1/x और 1/8, ये तीन नंबर हैं, ये कह दे रखे इन जी पी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फाइंड एक्स, सेम क्वेश्चन है, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, A, B, C और D, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू √4, √2 और 16, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, मुझे पता है क्या, ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, और ये सीक्वेंस जी पी में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A2 बाय A1, यानी कि ये A2 है, 1/x, इसके बटे में A1 1/2, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू A3 1/8, इसके बटे में 1/x, इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/x एज इट इज, ये घूम के ऊपर चला गया, तो मल्टीप्लाई 2/1, ठीक है दोस्तों, 1/8 एज इट इज़, ये घूम के ऊपर चला गया, तो x/1, ठीक लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा x/1, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया 2/x इज इक्वल टू x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x के क्या आ गई वैल्यू, 16, और x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 क्या a, तो मेरा a क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ़ 3 नंबर इन GP, 3 नंबर है मेरे पास, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है दोस्तों। हुज सम इज 19, जिनका सम क्या है, तीनों नंबरों का सम क्या है, 19 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज 216, अगर उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो 216 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, लॉन्ग मेथड। आइए पहले उस तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर मेरे पास 3 नंबर GP में आ जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे 3 नंबर AP में आए थे तो मैंने लिए थे A-KD, A, A+KD, ऐसे 3 नंबर मेरे पास GP में आ जाए तो वो मैं किस तरह से लेता हूँ, 3 नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ, 3 नंबर इन GP, वो नंबर किस तरह से लिए जाते हैं, A/R फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर A और थर्ड नंबर AR, ठीक है दोस्तों, इस तरह के नंबर लेता हूँ मैं 3 नंबर। आइए क्वेश्चन पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं, ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जैसे जैसे बोल रहा है कंडीशन करते जाओ, पहले उनका क्या सम करना है, हुज सम, इनका सम, तीनों का सम, A/R + A + AR, इनका सम क्या है, 19 है,
ठीक है दोस्तों, इनका सम 19 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कर दो। इनका प्रोडक्ट क्या है 216। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये कट गया तो ए क्यूब क्या आ गया मेरे पास 216। ए क्यूब 216 किसका क्यूब होता है भाई, 6 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू 6 आ गई, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करो आप, 6 बाय आर प्लस में 6 प्लस में 6 आर इज इक्वल टू 19। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की क्वेश्चन बनेगी, आर के आगे एलसीएम आ गया, 6 प्लस में 6 आर प्लस में 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया 6 आर स्क्वायर, ये 19 आर इधर आके प्लस के 6 आर माइनस के 19 आर और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया 6 आर स्क्वायर माइनस, हाँ जी 9 में से 6 के कितने होते हैं 13 आर प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व मैं यहाँ कर देता हूँ, 6 आर स्क्वायर 9 चौके 36 माइनस के 9 आर माइनस के 4 आर प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, हाँ जी यहाँ से 3 कॉमन आ गया 3 आर, अंदर क्या बचा 2 आर माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माइनस 2 बचा, अंदर क्या रह गया 2 आर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या क्या फैक्टर बन गए 3 आर माइनस 2 और 2 आर माइनस 3। तो यहाँ से आर की दो वैल्यू आ गई, एक तो आर की वैल्यू आ गई 3 बाय 2, एक आ गई 2 बाय 3। ठीक है दोस्तों, 2 बाय 3 यहाँ से आ गई और 3 बाय 2 यहाँ से आ गई, आर की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आर की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप 2 बाय 3 पुट कर दो, चाहे 2 बाय 3 बाय 2 पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, आर की और ए की वैल्यू इन तीनों में नंबरों में पुट कर दो, ए की वैल्यू 6 और आर की दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर दो आप, मैं 3 बाय 2 पुट कर देता हूँ, दोनों पुट करोगे सेम ही आंसर आएगा। हाँ जी, ए की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ इस नंबर में, 6 बाय 3 बाय 2 ये घूम के ऊपर चल जाएगा 2, तो क्या आएगा 4। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6, ए 6 और आर की वैल्यू यहाँ 3 बाय 2, 3 3 9 तो आएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो आएगा 4 6 9, ये तीन नंबर आ गए मेरे पास। अब उसने क्या पूछा था, क्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या मेरा 9 और 9 क्या है ए, ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से करके देखते हैं। जैसे मुझे क्या तीन नंबर चाहिए जीपी में, हाँ जी मेरे पास यहाँ 4 नंबर हैं, इसमें से कोई 3 नंबर ले लो, ए बी सी कोई भी उठा के देख लो, पहले वो पहले क्या होने चाहिए जीपी में होने चाहिए। ठीक है, मैं जैसे 9 6 5 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले छोटा नंबर रखिए, छोटा नंबर क्या है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, ये तीन नंबर ले लिए। ये चेक करते हैं जीपी में है कि नहीं, चेक करो जीपी में है कि नहीं। जीपी में कैसे करते हैं 6/5 और 9/6, हाँ जी ये बराबर नहीं आ रहा, आर की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो यानी कि ये तीन नंबर जीपी में नहीं है। उसके बाद क्या चेक करना है, यहाँ पे 4 भी तो आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो यहाँ पे चेक करो 6/4 और 9/6, हाँ जी यहाँ के पे क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 और 3 2 6, हाँ जी 4 6 9, ये तीन नंबर हैं ये जीपी में हैं, क्योंकि यहाँ भी आर की वैल्यू 3/2 आ रही है, यहाँ भी आर की वैल्यू 3/2 आ रही है। कौन कौन से नंबर जीपी में, 4 6 और 9, ये नंबर जीपी में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं, इनका सम 19 है, 6 4 10 और 9 19, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन, आपको थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर क्या इसमें 9 है। अगर मान लीजिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी पड़ जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 216, करके देखो 6 चौके 24 और 24 9 216 होते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि वो तीन नंबर यही हैं और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या 9 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट तरीके से करेंगे उसको। ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म मेथड इसलिए करवाया, मान लीजिए कभी यहाँ पर 3 आ जाए तो वो जो 3 नंबर एक्चुअली थे वो 3 नंबर नहीं दिए उसने, तब आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ 3 नंबर इन जीपी, 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिनका सम क्या है 38, उन तीनों का सम क्या है 38 है, हुज प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर।
ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। पहले इनमें से कोई तीन नंबर उठाओ जिनका सम क्या हो 38 हो, करके देखो। चार ऑप्शन में से कोई तीन नंबर का 38 देखो करके सम, आइए देखते हैं। 12 और 8 20 और 20 40, इनका भी नहीं है। इन तीनों का करके देखो, इन तीनों का तो होगा ही नहीं। ये क्या देगा, 12 और 18 40 और 40, 40 और 20 60, इनका तो नहीं होगा। तीन नंबर कौन कौन से हैं वो, 12 8 और 18। 12 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आगे लिखो, ठीक है। अब ये तीन नंबर एपी में चेक करो, ये तीन नंबर एपी में है कि नहीं। ए टू बाई ए वन 18/12, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ए टू बाई ए वन इजिकल टू ए थ्री बाई ए टू, 4 3 12, 4 2 8, 6 3 18, 6 2 12, 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, यानी कि ये तीनों नंबर जीपी में हैं, ये तीनों नंबर जीपी में भी हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इनका सम भी 38 है, ठीक है। यानी कि ये तीन नंबर, यही तीन नंबर जिनकी बात कर रहा है वो, और इनका प्रोडक्ट भी 1728, इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा 1728 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये तीन नंबर यही हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें 8, तो यानी कि ए क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यह समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।